या सो दीदी, वील टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है कि आपने कहा परमात्मा सत्य है, बाकी के अनुभव असत्य है, तो प्लीज इसको थोड़ा क्लियर करें। हाँ जी, ये तो एक्चुअल में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लेंदी आंसर भी हो सकता है। तो मैं हम देखते हैं। पहले बाबा एक परम ज्योति है, परम आत्मा है, सुप्रीम लिविंग लाइट। हाँ, और हम आत्माएं मास्टर लिविंग लाइट्स है ना। आत्मा इज अ लिविंग बीइंग जो कि जिस भी थॉट पे, जिस भी चीज पर अपना अटेंशन डालेगी, जैसे वो एक लिविंग कॉस्ट्यूम बन जाएगा लिविंग बीइंग के लिए। हमें पता है शरीर जड़ है, राइट? सभी को पता है ना कि बिल्कुल देह जड़ है, ठीक है ना। पर ये देह चलता है, फिरता है, हम इसके मुख के द्वारा बोला भी जाता है, कानों से सुना भी जाता है, सब कुछ होता है, राइट? लगता बहुत रियल है, पर मोम की गुड़िया से ज्यादा इसमें कुछ भी रियलिटी नहीं है। अभी मोम की गुड़िया रोती भी दिखाई देती है तो रियल लगती है, ये मोम की गुड़िया हंसती भी दिखाई देती है तो रियल लगती है, राइट? है ये मोम की गुड़िया से ज्यादा कुछ नहीं। वैक्स डॉल। तो अब मान लीजिए हमें पता चल गया देह अनरियल है। अब देखते हैं, मान लीजिए मेरा आज मेमोरी लॉस भी हो गया, ठीक है, मेमोरी माइंड की खत्म हो गई, तो अब मुझे नाम भी भूल गया, नाम के साथ जो परिवार आया था वो भी भूल गया, परिवार और जो देह के पदार्थ आए थे वो भी भूल गए, भाषा ही भूल गई, है ना। जैसे अल्जाइमर्स डिजीज होता है ना, उसमें भाषा भूल जाती है धीरे धीरे, एकदम साइलेंट हो जाते हैं। फिर भी बॉडी भी चल रही है, इसके एक पार्ट में जो है ना अंकल का पार्ट प्ले करने वाली एक आत्मा, उनको अल्जाइमर्स हुआ था। एक टाइम ऐसा आया वो अपने नाम को भी भूल गए, आसपास कौन है कुछ नहीं पता, शब्द नहीं, खाना खिलाया तो शरीर को खिला देंगे, सुलाने के लिए लिटाया तो सो जाएंगे, बाथरूम तक भी पता नहीं उनको, कुछ पता नहीं, जैसे मेमोरी लॉस है ना। तो बताएं हाँ कि कहाँ पर थी वो मेमोरी, मैं कौन, रीनी, ये मेरे पति, ये मेरा बच्चा, वो अंकल जो थे, मान लीजिए उनका नाम मैं नहीं बोलूंगी, पर मान लीजिए उनका नाम है, कुछ बना के बोलते हैं नाम, रमेश, या नाम लेते हैं हम रोहन, ठीक है, अंकल का नहीं, तो हम नाम लेते हैं रोहन, ठीक है। तो ये रोहन अंकल जो है, भूल गए मैं रोहन, वाइफ को भी नहीं पहचानते, क्योंकि वाइफ तो माइंड के अंदर रिकॉर्डेड था ना, जब माइंड की मेमोरी लॉस हो गई तो वो मर्ज हो गए वो लेबल्स। तो फिर हमारे मन के अंदर सहानी सारी कहानी फिक्शनल है, पर एक है जो अभी तक उस बॉडी को चला रहा है, सोल। सोल इज द लिविंग बीइंग, द ओनली रियलिटी दैट इज लिविंग एंड ट्रू। वो तो बीमारी से भूला मान उनका, अब माइंड उसका माइंड उसका बिल्कुल जैसे सो गया. सो गया है ना। पर क्योंकि हमने ज्ञान से नहीं उठे, अब आत्मा जो हम हैं, हम ज्ञान की आंख से अपनी माइंड की नींद से जागते हैं, है ना। तो मैं आत्मा जब माइंड के इमर्जन से बाहर आती हूं तो मुझे पता चलता है कॉन्शियसली
आई एम सोल कॉन्शियस, कॉन्शियसली या मैं आत्मा जागृत होती हूं, कि मन के अंदर की जितने भी लेबल्स, डिस्क्रिप्शंस, कहानियां, फीलिंग्स, मेमोरीज, मूड्स, इमेजेस, थॉट्स, ये जो सब कुछ है एक सेकंड में भूल सकता है अगर मन की मेमोरी लॉस हो गया तो। एक्चुअली दिस इज अ वेरी ब्यूटिफुल एग्जाम्पल जो आपने दिया है। अगर जिसकी मेमोरी लॉस हो जाती है, लाइक वी से टाइमलेस, उसको ना दिन का पता है ना रात को, हाँ उसके लिए सब सेम है, राइट? स्टोरी लेस, उस वो भूल गए उनके घर वाले कौन स्टोरी है, रिलेटिव्स कौन है, स्टोरी खत्म हो गई, राइट? उनके सामने अगर हम बैठ के उनके ऊपर हंसते भी हैं, उनके ऊपर कमेंट्स भी पास करते हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके लिए इट्स जस्ट अ साउंड। बिल्कुल इमोशंस भी नहीं क्रिएट होते क्योंकि ये सब माइंड में हमने लेबल किए हुए हैं। बिल्कुल बिल्कुल है ना। तो ऐसे ही अब परमात्मा हमें क्या बोल रहे हैं, हमें बीमारी से नहीं करना है, हमें ज्ञान से करना है। ज्ञान से अब ज्ञान से करना है तो मन की फीलिंग्स बोलेंगी, बॉडी में भी सेंसेशंस महसूस होंगी, सब कुछ होगा, पर मैं लिविंग लाइट, मुझे पता है मैं वो लिविंग बीइंग हूं जो हर अनुभव को जान दे रही हूं अपने अटेंशन से। तो अगर एंगर की फीलिंग आई पुराना संस्कार वश, मुझ आत्मा ने उसको देखा और अनदेखा कर लिया, तो वो फीलिंग एंगर की वहीं मर्ज हो जाएगी। पर एंगर की फीलिंग और इमोशन के साथ साथ पूरी एक कहानी भी आती है ना। तब परमात्मा मुझे ज्ञान से बताते हैं, बच्चे ये स्क्रिप्टेड माइंड बोल रहा है, ये तुम्हारा माइंड, ये तुम नहीं हो, ये ईगो माइंड की कहानियां हैं। तुम मेरी तरफ देखो, तो बाबा की तरफ देखते हैं तो हमें पता चलता है मैं बीज, बाकी झाड़ मेरा, संकल्पों का झाड़, संस्कारों का झाड़, फीलिंग्स का झाड़, ये सारा झाड़ है मेरे अंदर, ये मैं नहीं हूं। मेरा ट्रूथ बिल्कुल अनादि सत्य है। स्टोरी लेस आत्मा माइंड की स्टोरी को देख रही है, कोई कनेक्शन नहीं मेरा उससे। बॉडी लेस आत्मा बॉडी की सेंसेशंस को भी फील कर रही है, एंगर की फीलिंग को भी बॉडी में भी फील हो रहा है, हार्ट बहुत फास्ट बीट कर रहा है, बॉडी में कंपन हो रही है, पर मैं बॉडी लेस आत्मा। यह है ज्ञान की आंख से एकदम माइंड से साक्षी। तो क्या है, ज्ञान की आंख से मेरा जो रियल सत्य का जो प्रेम स्वरूप है परमात्मा समान, वो इमर्ज और जागृत रहता है, क्योंकि मैं माइंड के इमर्जन से बाहर आई कॉन्शियसली, तो मैं अपने उस परमात्मा का जो सत्य है, प्रेम का सागर, शांति का सागर, वो मुझे अपना और रियल लगेगा। मन की कमेंट्री के आगे भी, मन की कमेंट्री मेरे सत्य को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, तो इसलिए अपने अनादि स्वरूप ही रियलिटी है, बाकी माइंड की इमेजिनेशन है और बॉडी लाइफलेस है। तो स्क्रिप्ट तो लाइफलेस और इमेजिनरी, बॉडी लाइफलेस, तो बचा क्या पीछे? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बट आई थिंक हमने ये कवर किया अभी, कि आत्मा और मन को कैसे चेक करें, कि वेदर वो आत्मा के थॉट्स हैं कि मन के थॉट्स। तो आई थिंक वो आंसर आपने अभी पहले दे दिया है, राइट?
तो दी छोटा सा अभी ये पात्र भी दे सकते हैं उसमें हम, अगर ऐड करना। जी तो बिल्कुल करें जैसे ना। माइंड में मान लीजिए थॉट आया कि मैं तो उनकी मदद कर रही हूं, वो इतने दुखी हैं, मैं उनकी मदद कर रही हूं, तो इसमें क्या खराब है। जैसे है ना, किसी एक मदर ने इसको पूछा था पाठ में कि मैं मेरे बच्चों के बीच में शांति चाहती हूं, तो इसमें क्या खराबी है। तो अच्छी बात है ना, दोनों बहुत झगड़ते हैं। तो मैंने पूछा, अच्छा ये अच्छी बात है? तो उन्होंने बोला, हाँ इसमें क्या खराब है, मैं तो चाहती हूँ मेरे बच्चों के बीच में शांति हो। मैंने कहा, शांति होना दोनों के बीच में अच्छी बात है, मैं चाहती हूँ ये आपका मन है ना, यस कि आई वॉन्ट देम टू बी हैप्पी पीसफुल। जहां क्रिएट हुई, इच्छा क्रिएट हुई, वो अच्छा बनने नहीं देगी। जहां इच्छा बड़ी शुद्ध लग रही है मन के हिसाब से, कुछ खराब नहीं लग रहा उसमें, चार जने भी साथ में आपको बोलेंगे हाँ ये तो अच्छी बात है, किसने बोला खराब बात है। पर एक्चुअल में ये इच्छा अब क्या होगा, उन दोनों बच्चों को देखेंगे लड़ते हुए तो क्या होगा, मन दुखी होगा, सुनते नहीं है। जब ये शांत हो तो मेरा मन भी शांत हो। अब वो इच्छा अंदर दुख पैदा करी। जहां इच्छा है लिमिटेड, वहां ड्रामा को कंट्रोल करने की भी इच्छा। हम उनके पार्ट जो कि सिर्फ स्क्रिप्ट के अनुसार प्ले हो रहे हैं, हमारा मन और मैं आत्मा उस मन में फंसी हुई, मुझे मेरे माइंड के टीवी पे उनका वो पार्ट जो बाहर प्ले हो रहा है वो रियलिटी लग रही है, और उनका जो रियल स्वरूप है वो तो दिख ही नहीं रहा है। उनका जो रियल शांत स्वरूप है, चेंजलेस शांति है, वो दिख नहीं रही है, उस इच्छा के पर्दे के पीछे है वो। तो वो इच्छा के इच्छा ने वो शुद्ध इच्छा लग रही थी, पर उसने एक पर्दा डाल दिया जिससे उनका जो इटर्नल सत्य है वो नहीं दिख रहा था। तो अगर मैं आत्मा बाबा के साथ हूं तो मुझे वो इच्छा, उसमें जो रॉयल इच्छा है माया की, वो भी साक्षी होकर दिखेगी कि क्या मैं आत्मा, मेरा सुख उस इच्छा पर डिपेंडेंट है, उस वॉन्ट पर डिपेंडेंट है। मैं इटर्नल सुखी आत्मा, क्या ये मन का संकल्प जो मदर आइडेंटिटी बोल रहा है उसके ऊपर डिपेंडेंट है? नहीं, पर मदर आइडेंटिटी में तो वो कितना अच्छा लग रहा था। मुझ आत्मा ने मदर आइडेंटिटी का चोला पहना और वो बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? पर अब पता चलता है बाबा के साथ जो अच्छा लग रहा था वो पूरी 100% माया थी, स्क्रिप्टेड माइंड थी, है ना? तो ऐसे बहुत सूक्ष्म हो जाती है आपकी चेकिंग, और वो टाइम लग सकता है, धीरे धीरे होता है रिफाइनमेंट, बट एटलीस्ट स्टार्ट सीइंग कि मैं इस आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट नहीं कर रही हूं। मदर अच्छी लगे, सब बोले कितनी अच्छी मदर है, नहीं तो क्या बोलेंगे सब, मदर ही ऐसी है, ध्यान नहीं रखती है, बच्चे लड़ते रहते हैं, खुद ज्ञान में है और देखो बच्चे कैसे हैं, या ज्ञान में नहीं भी है तो भी मदर आइडेंटिटी ज्यादा थ्रेटन फील कर। रेट पे है। पर दी, आपने इसमें जो ये बात कही ना कि जब मैं ये इच्छा डिजायर रखती हूँ कि ये शांत हो जाए, तो मतलब अंदर किधर ना किधर मेरे को ये दिख रहा है ना कि ये शांत नहीं है, तो वाइब्रेशंस भी तो वो अशांति की जाएगी ना, एंड वो भी और बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए हमें सत्य को देखना है, वो पर्दा डाल दिया उसने। बिल्कुल।
एंड अब हाँ जी हाँ नहीं, आप कंटिन्यू करें प्लीज। नहीं आप बोले। हाँ वही मैं बोल रही थी कि इसमें फिर हम मल्टीप्लिकेशन और एडिशन करते जाते हैं, वो अशांति की, कि फिर मेरी डिजायर हो गई जैसे आपने कहा, फिर मैं भी दुखी, वो भी दुखी, एंड दिस क्रिएट्स मोर लाइक मोर ऑल टेंशन, दिस। हाँ जी, या मोर टेंशन, मोर एंजाइटी, ये तो ऐड हो रहा है। ऐड हो रही है। एग्जैक्टली अब मैं आत्मा अगर बाबा के साथ उन आत्माओं को वैसे देखूं जैसे परमात्मा देख रहा है, उस मोमेंट में भी वो दोनों लड़ाई कर रहे हैं, पर परमात्मा उन आत्माओं की लड़ाई को देख रहा है, और या फिर उस सत्य को देख रहा है जो चेंजलेस है। तो इसीलिए हम बार बार परमात्मा की दृष्टि पर आते हैं। परमात्मा जैसे देखेगा, बीज है, अपना अपना झाड़ प्ले आउट हो रहा है, पर उन आत्माओं का सत्य चेंज हुआ नहीं। तो जितना आपका इस सत्य में कन्विक्शन, निश्चय, उतना वो सत्य सर्व आत्माओं को पहुंचेगी, वाइब्रेशंस, बिल्कुल है ना? और वो वाइब्रेशंस उनके ट्रुथ को लाइट शाइन करेगी, और वो खुद जब अपने सत्य को महसूस करेगी आत्मा, तो ऑटोमेटिकली वो गुप्त रूप में, हमने ये काम किया है, उनकी लड़ाई बिल्कुल टाइम अनुसार बंद हो जाएगी, या ड्रामा। अभी या ये एक छोटा सा क्वेश्चन है, बट आई विल टेक ये स्क्रिप्ट पे ही है। फिर से ये पूछना चाहते हैं कि जैसे कि हर आत्मा के संकल्प स्क्रिप्टेड हैं और हर आत्मा के संस्कार भी अलग-अलग हैं, तो जैसे कोई बहुत आज्ञाकारी होते हैं, कोई बात मानते ही नहीं, किसी को बहुत डर लगता है, कोई बहुत निडर होते हैं, तो क्या ये सब भी रिकॉर्डेड है स्क्रिप्ट के अनुसार? हाँ जी बिल्कुल, सब रिकॉर्डेड है, सारे संस्कार रिकॉर्डेड है, पर ब्यूटी क्या है, ना मैं वो डर हूं, ना मैं वो, आपने क्या बोला दूसरा, ना मैं वो डर हूं, आज्ञाकारी और बात नहीं मानते, हाँ, बहुत बात ना मानते मैं हैं। डिसोबीडियंट हूँ, ना मैं, सॉरी आई थिंक वो हाथ से हो रहा है। तो ये देखना है कि आत्माएं अपने संस्कार नहीं है, आत्माएं अपने संस्कार से परे है। तो इसीलिए हम बार बार अनादि सत्य पर आते हैं, ताकि हम अपने अनादि सत्य में जितना खुद हम स्थित रहेंगे, संस्कारों से परे वाला सत्य, उतना दूसरी आत्माओं को भी हम उनके संस्कारों के परे की स्थिति में देख पाएंगे। बिल्कुल क्योंकि अगर हमें वो दिख भी रहे हैं कि वो आज्ञाकारी नहीं है, बट उनका ट्रुथ वो नहीं है, वो उनकी संस्कार स्क्रिप्ट वो है, नहीं है, और जो बहुत आज्ञाकारी प्ले कर रहे हैं पार्ट, तो वो उनका भी ओरिजिनल वही स्वरूप है, पीस और इसका, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी एक और क्वेश्चन है, थोड़ा मिलता जुलता है। ये बोल रहे हैं कि आत्मा थॉटलेस नहीं है, ये तो समझ ही नहीं आ रहा है, जबकि या तो ये कहना चाहते हैं कि आपने बोला कोई तीर फेंके तो भी आप गुलाब, ये कैसे हो सकता है? कोई बात नहीं, है ना? तो जैसे हम अगर देखेंगे कि आत्मा अनादि स्वरूप में साइलेंस है, हमारा पहला बाबा का ग्रीटिंग क्या होता है, ओम शांति, आई एम साइलेंस, है ना? अब हम अपने माइंड की आवाज में इतने फंसे हुए हैं कि हमें लगता है कि कहाँ थॉटलेस, क्योंकि थॉट्स से तो पहचान बनाकर बैठी हूं मैं आज। इसीलिए हमने कहा हमारे मन के अंदर के थॉट्स, हमें लगता है ये स्क्रिप्ट जो बोल रही है माइंड में वो मेरी आवाज है। अभी हम ये एक्चुअल में सब आने वाले चैप्टर्स में बोलने वाले हैं इस पर, और या
है ना, क्योंकि कल ईगो के ऊपर भी पूरा चैप्टर है ना, तो ये सब बातें उसमें आएंगी। तो थोड़ा सा बिल्कुल अगर आप धैर्यता से सुनेंगे ना, थोड़ा तो जो या चैप्टर्स हो गए हैं ना उसके ऊपर क्वेश्चन पूछेंगे ना, यस आत्मा का अनादि स्वरूप थॉटलेस है। बिल्कुल। और मैं भी यही एक सबको सजेशन देना चाहूंगी कि पहले हम ना सुने थोड़ा टाइम, कंक्लूजन पे आएंगे ना, नहीं समझ रहा है तो हम आगे का भी नहीं समझ सकेंगे, देन देयर विल बी अ ब्लॉकेज। सो फॉर नाउ जो भी समझ में आ रहा है कि ठीक है आत्मा थॉटलेस है, आप 5 दिन के लिए प्रिज्यूम कीजिए कि थॉटलेस है फॉर नाउ, या फिर देन इट इज चॉइस कि यू वांट टू और यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद एक्चुअल दिस में थिंग। क्या है, आप सिर्फ एक काम करें, प्रिज्यूम की भी जरूरत तो नहीं है वैसे, पर आप बस ये देखें पूरे दिन, अगर हमें बाबा ने डायरेक्शन दिया है कि आत्मा बॉडी लेस और थॉटलेस, ईगो लेस का मतलब ही थॉटलेस है ना। ईगो लेस मीन्स नो मी माइन एंड आई, है ना। परमात्मा हमें बोल रहा है तुम निरअहंकारी हो। निरअहंकारी मतलब स्टोरी लेस, स्टोरी लेस मतलब थॉटलेस। अहंकार कहाँ से होगा जब देह ही नहीं है, नाम रूप ही नहीं है, कहानी ही नहीं है, तो अहंकार कहाँ से होगा, है ना। तो इसलिए परमात्मा हमें बोल रहे हैं अनादि स्वरूप में बार बार अपने को देखो, जो अनादि इटर्नल आत्मा का नेचुरल निजी नेचर है वो है साइलेंस। पर आत्मा के अंदर पूरी स्क्रिप्ट रिकॉर्डेड है, वो साइलेंट नहीं है, वो टॉकेटिव है। पूरी स्क्रिप्ट बहुत बोलती है ना। पर अभी का जो समय है मैं उस स्क्रिप्ट से अलग हो सकती हूँ, ये स्क्रिप्टेड माइंड, ये साइलेंट मी। अब एक बार अलग हो गई फिर हम देखते हैं ये स्क्रिप्टेड माइंड मेरे अंदर ही है पर ये मैं नहीं हूं, है ना। कल इसके ऊपर हमने एक एग्जाम्पल भी दिया था मदर की वूम का, क्वेश्चन आंसर सुनिएगा। हाँ, और रोज के क्वेश्चन आंसर सुनेंगे ना आप तो आप क्लियर अपने आप होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स ऑलरेडी हम प्रीवियस क्वेश्चन आंसर में दे चुके हैं, है ना। व्हिच इज नॉट अ प्रॉब्लम, वी कैन रिपीटेडली डेफिनेटली आंसर द सेम क्वेश्चन, पर अगर नहीं सुना हो तो सुनिएगा, हो सकता है बार बार सुनने से ही आंसर क्लियर हो जाए। ये आज के क्वेश्चंस हैं दीदी, या तो ये कह रहे हैं कि एज पर टुडेज सेशन परमात्मा इज फादर ऑफ ऑल आत्मास, द रिलेशनशिप बिटवीन मेल एंड फीमेल आर ऑफ ब्रदर एंड सिस्टर, सो हाउ विल दिस सृष्टि रन कंटिन्यू। ओके, ऑल राइट। ये ब्यूटीफुल पर्सपेक्टिव और दृष्टिकोण परमात्मा हमें देते हैं। आत्मा और आत्मा के लेवल पर कोई जेंडर नहीं है, तो हम भाई बहन भी नहीं है। वो उसके लिए भी जेंडर चाहिए, है ना। आत्मा की नजर में आत्मा आत्मा है, जेंडर लेस, क्योंकि बॉडी लेस, राइट। तो लिविंग लाइट जो कि बॉडी लेस है, जेंडर लेस है, भाई भाई भी हम कह रहे हैं पर भाई को भी जेंडर रूप में नहीं देखे। ये भाई शब्द है ना, माया मन स्क्रिप्टेड माइंड सुनेगा तो सोचेगा कोई फीमेल बॉडी है भाई भाई। नो, जब हम भाई भाई कह रहे हैं मतलब वी ऑल कम फ्रॉम वन फादर वन फैमिली ऑफ सोल्स। हम आत्माओं के एक परिवार से हम सब आत्माएं हैं और सब आत्माओं का पिता परमपिता परमात्मा है ना, और माता भी परमपिता परमात्मा है। तो ये समझना होगा। अब उसके बाद हमें ये भी पता है हर आत्मा का अपना एक कहानियों का स्क्रिप्ट है उसके अंदर, तो जरूरी नहीं है कि
कि हर एक आत्मा समझेगी इस बात को। हो सकता है उनकी स्क्रिप्ट में ना हो, तो कोई कभी समझेगा ज्ञान को, कोई किसी और पॉइंट पे समझेगा ज्ञान को, राइट? हर आत्मा अलग अलग पॉइंट पे ज्ञान को समझेगी, ट्रू? तो हमें सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन रखना है कि जो जिसको जब समझना होगा ज्ञान, तो उस अनुसार बहुत सारी आत्माएं हैं जिन्होंने अभी ज्ञान नहीं लिया है ना, उनका पार्ट नहीं है अभी। बहुत सारी आत्माएं हैं, तो जी जिनका पार्ट नहीं है अभी ज्ञान लेने का, वो फिर सृष्टि को चला रहे हैं ना। हाँ, तो हर एक अलग अलग टाइम पे ले रहा है ना ज्ञान, तो सृष्टि चल रही है, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन देना है ना। तो मुझ आत्मा को सबसे पहले अपने सत्य स्वरूप को जानना है, मैं कौन, परमात्मा कौन और दूसरी आत्माएं कौन। मैं अपने आप पे अटेंशन रख रही हूं, दूसरे क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो हर एक आत्मा का बीज का अपना एक पार्ट, एक्यूरेट पार्ट, परफेक्ट पार्ट है ना। तो मैं सिर्फ अपने ऊपर अटेंशन दूं, तो जितना आत्मिक स्वरूप में आप रहेंगे उतना ऑटोमेटिकली प्योरिटी, सेलिबसी इज अ ब्यूटिफुल थिंग। अगर आप इंडिया के पास्ट के कल्चर में भी देखेंगे है ना, इवन चाइल्ड बर्थ जस्ट नॉट मेनी इयर्स अगो वाज टू लाइक कपल जो होते थे उस वक्त शुरू शुरू में, जब बहुत अभी कलयुगी जितना टाइम नहीं था, कॉपर एज के टाइम, उस टाइम जी पे आत्माएं सिर्फ कॉन्ज्यूमेट करती थी रिश्ते को जस्ट फॉर अ ऑफस्प्रिंग है ना, एक बच्चे के लिए। इट जी वाज नेवर फॉर प्लेजर या एट ऑल एवर, कॉन्ज्यूमेटिंग यस रिलेशनशिप कभी भी नहीं था ऐसे है ना। या तो रिलेशनशिप को कॉन्ज्यूमेट करने का एक ही रीजन था, फैमिली को चलाने के लिए। पर आज क्या हो गया है, और सत्युग में हम देखेंगे, सत्युग में तो इतना सोल पावर होता है कि सोल पावर से प्रोजेनी पैदा होती है। पर क्योंकि कॉपर एज में आते हैं, तब तक आत्मा मन के काबू हो चुकी होती है, मन के हिप्नोसिस में आ जाती है, तो वो सोल पावर खत्म पावर सोल की नहीं होती है, पर माइंड टेक ओवर कर लेता है, आत्मा इमर्स्ड हो जाती है। तो ये कॉन्ज्यूमेशन करने की, पर शुरू शुरू में भी सिर्फ जस्ट फॉर प्रोजेनी उसके बाद, अब आयरन एज में इट हैज बिकम एन एडिक्शन ना, लस्ट हैज बिकम एन एडिक्शन, दिस इज अ फैक्ट। हाँ, एंड हम बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि इस वजह से हम देखेंगे कि रिलेशनशिप्स में बहुत मिस्ट्रस्ट, डिपेंडेंसी, जेलसी, पोजेसिवनेस, फियर, एंजाइटी, वरी, ये सब जो लोअर नेचर के संस्कार्स है ना, ये री इमर्ज होकर बहुत हावी हो चुके हैं आज मन के ऊपर। तो डोंट वरी अबाउट चिल्ड्रन, एग्जैक्टली बी, बिल्कुल हाँ या जी, बाबा ने तो ये भी कहा है ना कि न सृष्टि कभी खाली होगी न परम धाम कभी खाली होगा। बिल्कुल, तो जो आत्माएं जो टाइम पे आनी है वो आएंगी ही, तो वो कैसे आ रही हैं इट इज नॉट अवर लुकआउट, हाँ, अवर चॉइसेस कि हमको ये फॉलो करना नहीं है या नहीं। एंड जो पूछ रहे हैं उनके ऊपर भी कोई फोर्स नहीं है अगर वो नहीं है, है बट तो। अंडरस्टैंडिंग जरूरत है, अंडरस्टैंडिंग या ये ना हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग भी नहीं दी गई। बिल्कुल तो रिलेशनशिप्स को हेल्दी बनाने के लिए
एट ऑल लेवल्स नंबर वन इज सेलिबेसी, प्योरिटी, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. अब चॉइस इज ईच वन्स ओन, हर एक का पार्ट अपने अनुसार खुलेगा, है ना. पर सेलिबेसी भी फोर्स्ड नहीं हो सकती, वो आत्मिक अंडरस्टैंडिंग से आ सकती है, वो नेचुरल लगेगी उसके बाद आपको. इनफैक्ट सेलिबेसी नहीं है तो अननेचुरल लगेगा. एक लिविंग बॉडी नहीं जिसकी, जेंडर नहीं, उस वो लिविंग लाइट के लिए व्हाट इज लस्ट, इज अ डिजीज एक्चुअली. इट इज, आई एम सेइंग इट वेरी ओपनली, इट इज अ डिजीज एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि क्यों परमात्मा आकर हमको सेलिबेसी का ज्ञान दे रहे हैं. तो इसीलिए हर आत्मा का सृष्टि चलनी है, इसलिए हर आत्मा अपने अपने टाइम पर आ रही है ना, और सृष्टि अपने आप चलेगी, उसकी चिंता हमें नहीं करनी है ना. हमें तो अपने ऊपर अटेंशन देना है. तो आत्मिक नेचुरल होगा. सेलिबेसी इज वेरी नेचुरल नेचर ऑफ अ ह्यूमन सोल. इनफैक्ट एनिमल किंगडम में भी पीकॉक्स को देखेंगे तो पीकॉक्स आर बॉर्न विदाउट लस्ट, यस, है ना. दैट इज व्हाई इट इज अ बर्ड ऑफ प्योरिटी. प्योरिटी, या बिल्कुल. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपने मेंशन किया बीइंग विदाउट बीइंग कंबाइंड विदाउट बाबा वी कैनॉट एक्सपीरियंस जीवन मुक्ति. हाँ जी. सो इन माई क्वेश्चन इज आई कैन नॉट कॉन्स्टेंटली रिमेन कंबाइंड विद बाबा. आई गेट सो इमर्स्ड इन माई थॉट्स दैट आई फॉरगेट टू बी कंबाइंड विद बाबा बिफोर कमिंग इन टू एनी एक्शन. या सो नाउ हाउ टू हैव कॉन्स्टेंट अटेंशन. एंड सेकेंड इज वाई डज माई माइंड गेट्स अट्रैक्टेड टू अदर वर्ल्डली प्लेजर्स लाइक सोशल मीडिया एक्सेट्रा. Why am I not enjoying Baba's company, though I decide in the morning that today whole day I'll be with Baba? हमने वैसे आज क्लास में आंसर तो दिया था, फुल डे का जो प्रोग्राम दिया था ना. मोस्ट इम्पॉर्टेंट है अगेन डेडिकेशन टू ट्रूथ, वेरी इम्पॉर्टेंट. आपका डेडिकेशन कितना है, यू नीड टू actually sacrifice your mind to God. Yeah, मैं अपना मन परमात्मा को देती हूँ. अगर मेरे अंदर वाकई में एक बहुत गहरी, ये है प्योर डिजायर जो आपको इम्प्योर डिजायर से मुक्त कर देगी, तो प्योर डिजायर है आत्मा की अपने सत्य को जानना. लाइफ को रीनी की कंफर्टेबल बनाने के लिए मैं इस ज्ञान में नहीं आई हूं, मैं इस ज्ञान में आई हूं अपने सत्य को जानने के लिए, परम सत्य को. माय इंटरेस्ट इज नॉट कि बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस हो मुझे मेडिटेशन में, इस ज्ञान में मैं उसके लिए नहीं आई हूं कि मैं बैठूं और बहुत ब्यूटीफुल अनुभव हो. परमात्मा के साथ का मतलब क्या है, हम कल क्लास में और उसी से स्टार्ट करेंगे. परमात्मा का साथ का मतलब डॉक्टर का साथ. हाँ, डॉक्टर के पास Absolutely. जाने में बच्चे डरते हैं ना, क्यों डरते हैं डॉक्टर के Yeah. पास जाने में. Injection. इंजेक्शन लगा देगा, चार दवाइयां बता देगा, पांच बीमारियां निकाल देगा, जाना ही ये नहीं, नहीं खाना, वो नहीं खाना, ये वो नहीं बता देगा, खाना, वो नहीं खाना, पता नहीं क्या क्या बता देगा. अभी तो बंद करनी पड़ेगी बहुत बंद सारी करें. चीजें. हाँ, तो हम एक्चुअली कल की क्लास इसी से स्टार्ट करने वाले हैं. पर बिल्कुल. यही है, गॉड हैज कम हियर फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ द माइंड ऑफ द सोल, है ना. तो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में नॉट नेसेसरी कि आपके सारे अनुभव बड़े मधुर मधुर होंगे बाबा के साथ. इनफैक्ट बाबा के साथ मैं साक्षी होकर बैठूंगी ना बाबा के साथ, तो मैं अपने उस स्वीट साइलेंट नेचर में बैठती हूँ बाबा के साथ,
मतलब बाबा मुझे उस दृष्टि से ही देख रहा है, चाहे मेरा मन इच्छाएं पैदा कर रहा है, पता नहीं क्या क्या अंदर से बीमारियां बाहर निकल रही हैं मन की, पर वो ऐसा सुप्रीम सर्जन है कि उसके पास बैठकर पहले तो मुझे अपना साइलेंट सत्य पता है कि मुझे वो बीमारियां मन की टच नहीं कर रही है ना। और वो मन की बीमारियां जो हैं, वो मन की बीमारी है, आत्मा की बीमारी नहीं है। तो जितना मैं मन से साक्षी, मन अट्रैक्ट हो रहा है ना बाहर की चीजों से, आत्मा थोड़ी ना हो रही है। तो आप आत्मा मन में मत फंसो, आपको अपने सत्य से प्यार है तो परमात्मा जब सत्य लगेगा ना, क्योंकि आपको अपना आत्मिक स्वरूप सत्य लग रहा है, तो परमात्मा अपने आप सत्य लगेगा। इसलिए बाबा हमेशा मुरली में कहते हैं, आत्मा समझ बाप को याद करो, ऋणी समझ बाप को याद करो नहीं बोलते हैं आत्मा समझ बाप को याद करो। जितना मैं आत्मिक स्वरूप में मन के संकल्पों से इच्छा आई, नो प्रॉब्लम, मन डिजायर क्रिएट कर रहा है, ये खाना है, मूवी देखनी है, टीवी देखना है, सोशल मीडिया में बस सारा चेकिंग करनी, किसने क्या मैसेजेस किए हैं, हॉलिडे पे कौन कहाँ गया है, किसने क्या कपड़े पहने हैं, माइंड की इच्छाएं हैं। आप आत्मा उन इच्छाओं से मैपन मत लगाओ, वो बीमारी है मन की, ऊपर आ रही है। देखो आप वेरी लकी हैं कि आपको वो बीमारी बीमारी तो दिख रही है, कई आत्माओं को तो वो बीमारी नहीं, वो नॉर्मल लगता है। तो ये वेरी लकी कि आपको वो बीमारी दिख रही कि हाँ है तो बीमारी अब सुप्रीम सर्जन आपको आपका अनादि स्वरूप दिखा रहा है, यही उसका ट्रीटमेंट है। वो आपकी अनादि स्वरूप को दिखाएगा, और जितना वो आपके अनादि स्वरूप को दिखाएगा उतनी आपको बीमारी ज्यादा दिखेगी। खींचेगी, इच्छाएं खींचेंगी, पुल करेगी, करने दो ना। आप बाबा के साथ उसकी ज्ञान की कोख में रहो ना, आप उसके साथ बातें करो ना, इच्छाएं आ रही है, अपने आत्मिक इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति में स्थित होकर सारी इच्छाएं बाबा के साथ शेयर कर दो, सुप्रीम सर्जन को दे दो, कूड़ा कचरा लेने ही तो आया है, सब दे दो उसको, है ना। करनी घोर हम शब्द यूज करते हैं उसके लिए, सारे पुराने कपड़े दे देते हैं ना, कि कोई मर जाता है उसके बाद सारे पुराने कपड़े करनी घोर को देते हैं। बाबा करनी घोर है, मैं आत्मा पुराने संस्कारों से मर गई। अब वो जब सामने आती है संकल्पों, फीलिंग्स, सेंसेशंस, इच्छाओं के रूप में, तो मैं आत्मा सरेंडर, मतलब मेरा नहीं है, फॉरेन मटेरियल आ गया है बाबा मेरे मन में, मैं आपको दे रही हूं। मेरा सत्य क्या है? एकदम इच्छा मात्रम अविद्या, बाबा की ज्ञान की कोख, इसमें रहो, उसको खत्म नहीं करना है, अटेंशन देना है अपने सत्य पे, बीज को पानी देना है, झाड़ के एक एक पत्ते को नहीं काटना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दीदी, आपने कहा कि हमें अपने माइंड्स थॉट्स से साक्षी रहना है, सदा बाबा के वोम में रहकर इंटरैक्शन में आना है। तो कुछ स्पीकर्स माइंड स्क्रिप्टिंग, प्रोग्रामिंग, सबकॉन्शियस माइंड, माइंड रीप्रोग्रामिंग एक्सेट्रा, ये टॉपिक्स क्यों टीच करते हैं? वो क्या है फिर? देखें, हर एक आत्मा को एक पार्ट मिला है और एक वर्ल्ड व्यू है, हर एक का एक पर्सपेक्टिव है, राइट। तो जब वो आत्मा अपने उस पर्सपेक्टिव के थ्रू किसी चीज को देख रही है, वो गलत नहीं है अपनी जगह, वो भी सही है, राइट। हम अब बाबा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, तो बाबा हमारे को माइंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए,
नहीं बोल रहा है, बाबा हमें बोल रहा है आत्मा तुम जागृत हो, तो माइंड अपने आप तुम में मर्ज हो जाएगा, है ना? तुम बस मेरे माइंड को यूज करो तब तक, और जो पुराना माइंड जो बोलता है वो तुम मुझे देती जाओ बस। अब इतने सारे ऑप्शंस हैं, आपको डिसाइड करना है व्हाट वर्क्स फॉर यू, है ना? पर हर आदमी अपने पर्सपेक्टिव से राइट। अभी ये दो क्वेश्चंस हैं, डिफरेंट वेज में इन्होंने वही कहा है कि मेडिटेशन में एक्चुअली क्या करना होता है, यह इनको डिटेल में समझना है। दूसरा इन्होंने कहा है कि मैं आत्मा चेंजलेस हूं, तो फिर जब मेडिटेशन करते हैं तो ऐसे क्यों कहते हैं कि मैं आत्मा पवित्र हूं, किरणें मुझ पर आ रही हैं और मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही। ओके। अगेन शुरू शुरू में ये सब इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हम जब ज्ञान में आते हैं ना, बहुत, हमने कल की क्लास में शायद यही बोला था, बहुत संकीर्ण रूप में आते हैं। कल की Day 2 का मेडिटेशन सुनिएगा, थोड़ा क्लियर हो जाएगा आपको, और है ना, तो उसमें बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। मतलब मुझे बस खुशी चाहिए, मेडिटेशन में मुझे सुखद अनुभव चाहिए, मतलब चाहिए चाहिए, क्या करूं जो मैं बस अच्छा फील करूं। ये मन का रोना होता है। पर एक्चुअल में परमात्मा यहाँ आते हैं मुझ आत्मा को सुख और दुख से परे ले जाने के लिए। परमात्मा यहाँ आते हैं सारे अनुभवों की डुअलिटी से परे ले जाने के लिए, है ना? तो हम आत्माएं अभी जो है ना, पूरे दिन मेडिटेशन होता है, हम अभी बोलते बोलते भी मेडिटेशन कर रहे हैं, सुनते सुनते भी मेडिटेशन में है। मेडिटेशन मतलब क्या, जो मेडिटेटर है ना वो डिसॉल्व हो जाना चाहिए। रीनी नहीं बैठी है मेडिटेशन में, आत्मा बाबा के साथ देख रही है, साक्षी होके अपने बाबा के साथ बैठी है कि मेरा सत्य क्या है। सत्य के बारे में बात भी कर रही है, सत्य के बारे में परमात्मा से रू रिहान भी कर रही है। बीच बीच में दूसरे संकल्प भी आ रहे हैं कि अभी खाना बनाना है, टाइम कब होगा, 1 घंटा, बार बार घड़ी देख रहे हैं, है ना? तो ये सब माइंड है ना जो बोल रहा है ना बीच में अपनी कमेंट्री बार बार, कभी कुछ कभी कुछ। मैं परमात्मा के साथ अटेंटिव हूं, उसको देखती हूँ पर उसमें एंगेज नहीं होती हूँ, उसके साथ फ्लो नहीं कर लेती हूँ, एक्ट में नहीं आती हूँ। देखती हूँ बाबा की तरफ नजर, मैं कौन, किसके अंदर ये सब संकल्पों की एक्टिविटी भी है, किसके बिहाफ पर ये संकल्प आ रहे हैं, पर्सन आइडेंटिटी के बिहाफ पर संकल्प आ रहे हैं, क्योंकि मैं तो आत्मा निर्संकल्प हूं। अब मैं परमात्मा के साथ ये रू रिहान करती हूं, पूरे दिन अपने इसी अनादि सत्य, जैसे हम पूरे दिन चलते हुए बॉडी मूवमेंट में है, मैं आत्मा स्टिल, मुख से बोला जा रहा है पर मैं आत्मा साइलेंट, एकदम परमात्मा की ज्ञान की कोख में साइलेंट, स्टिल, थॉटलेस बीइंग। एक्शन हो रहा है बोलने का, बॉडी चल रही है, आत्मा ही चला रही है, पर सोच सोच कर माइंड का स्वरूप बन कर नहीं चला रही है, क्योंकि माइंड सोच सोच के एक पर्सनल आइडेंटिटी, सेल्फ इमेज क्रिएट कर देता है, फिर वो सेल्फ इमेज चलाता है पूरे दिन बॉडी को।
है ना? इसलिए अब आत्मा को जागृत होना होगा कि ये सेल्फ इमेज जो बनाई हुई है वो पानी पिला रही है शरीर को बिना. अब क्या होता क्या है, ऑटोमेटेड हो गया है ना ये स्मृति, रीनी हूं, पर्सन माइंड हूं, लिया ग्लास का पानी, उठाया पी लिया, बॉडी माइंड की ही स्मृति में चल रहे हैं, खाना बनाया बॉडी माइंड की स्मृति में, पर्सन माइंड की स्मृति में, सब कुछ करते हुए ऑर्डिनरीली चले जा रहे हैं. पर अब मैं जान गई हूं, मैं वो लिविंग लाइट हूं जिसके अंदर से ये मैनिफेस्टेशन पूरा बाहर आया है. तो ये झाड़ मूवमेंट में है, ये झाड़ आवाज भी करता है, आंधी तूफान को भी फेस करता है. माइंड के संकल्प के आंधियां आएंगी, पर मैं साइलेंट बीज तूफान की आंख में परमात्मा के साथ बैठी हूं. तूफान जरूरी नहीं है बहुत बड़े बड़े हूं, एकदम साइलेंट साधारणता के भी तूफान ही है, पर मैं परमात्मा की आंख में बैठी हुई हूं. मतलब तूफान की आंख में बैठी हुई हूं परमात्मा के साथ, मुझ आत्मा को कुछ टच नहीं कर रहा, साधारण बॉडी के मूवमेंट्स भी नहीं, मुख के बोल और शब्द भी नहीं, मैं साइलेंट और स्टिल अनमैनिफेस्ट सीड हूं जिसके अंदर से ये पूरा झाड़ मैनिफेस्ट होकर चल रहा है. ठीक है, ओके जी. लास्ट के दो क्वेश्चंस हैं. वो कहना चाह रहे हैं कि आत्मा सुख दुख से न्यारी है, एक रास्ता का अनुभव होता है लेकिन असीम परमात्मा का प्रेम अनुभव नहीं होता, राइट? अभी दूसरा एक और क्वेश्चन है, उन्होंने भी कहा है कि हमें परमात्मा का प्रेम अनुभव नहीं होता है. वो 4 मंथ्स 4 मंथ्स से वीडियोस कंटिन्यूअसली देख रहे हैं, बट प्रैक्टिस करने के बावजूद वह आनंद की फीलिंग महसूस नहीं कर पाते. या सो शी इज आस्किंग कि कैन शी टॉक टू यू डायरेक्टली, सो या वील आस्क देयर नंबर. या बिकॉज शी इज वॉचिंग द वीडियोज लाइक सिंस 4 मंथ्स ऑन यूट्यूब. या सो नाउ आनंद का अनुभव नहीं होता, दिस विल बी द क्वेश्चन. या सुपर सेंसुअस जॉय, अति इंद्रिय सुख, क्या है इसका? क्योंकि हमारा माइंड उसको बहुत गलत तरीके से समझता है. हमारा माइंड सोचता है अति इंद्रिय सुख मतलब पता नहीं कहाँ आत्मा फ्लोट कर रही है, हाँ कहाँ पता नहीं कोई सुपर नेचुरल एक्सपीरियंस होता है अति इंद्रिय सुख, जैसे कोई बस कहीं उड़ रही है. जैसे जब बाबा कहते हैं आत्मा उड़ रही है, उसका मीनिंग क्या है? इंद्रियों से परे का सुख. इंद्रियां कौन सी? मन, बुद्धि, संस्कार, सूक्ष्म इंद्रियां. स्थूल इंद्रियों में तो अपनी कोई जान है नहीं, राइट? वो तो आत्मा देखती है उस आंखों के थ्रू, माइंड के लेंस को यूज करके, है ना? उसके बिना तो ये आंखें, ये नाक, ये कान, ये मुख में तो जान नहीं है अपनी. तो ये सूक्ष्म स्थूल कर्म इंद्रियां तो लाइफलेस हैं. तो ये मन, बुद्धि, संस्कार ही हैं जो सूक्ष्म कर्म इंद्रियां हैं, है ना? तो आत्मा को अति इंद्रिय, इन सूक्ष्म कर्मेंद्रियों से परे जाना होगा. जाना होगा मीन्स स्टेप आउट ऑफ योर माइंड. दिस सुख जस्ट इज द सुख ऑफ निरंतर एब्सोल्यूटनेस. आप आत्मा एक चेंजलेस बैकग्राउंड है. हम एक जनरली एग्जाम्पल देते हैं, जैसे रूम में साइलेंस है, टेप रिकॉर्डर ऑन किया, तेज म्यूजिक है, राइट? तेज म्यूजिक है, ट्रू? साइलेंस तो वो की वही है, वो गायब तो नहीं हो गया, साइलेंस तो अभी भी है, पर वो बस सुनाई नहीं दे रहा है.
साइलेंस फील नहीं हो रहा है क्योंकि टेप रिकॉर्डर की आवाज तेज है, इसलिए साइलेंस फील नहीं हो रहा है। साइलेंस है तो सही पर अब टेप रिकॉर्डर की आवाज मध्यम कर दो तो भी साइलेंस वो ही है, बस अब फील हो रहा है थोड़ा ज्यादा पहले से। फिर हम बंद ही कर देते हैं आवाज तो साइलेंस 100% फील हो रहा है, पर क्या साइलेंस का जो एग्जिस्टेंस है किसी भी पॉइंट पर कम या ज्यादा हुआ? नहीं, जी साइलेंस इज फॉर एवर द सेम चेंजलेस बैकग्राउंड फॉर ऑल द नॉइज और नो नॉइज। साइलेंस हमेशा ही चेंजलेस बैकग्राउंड रहा, चाहे कितनी भी आवाज कम हो, ज्यादा हो, मध्यम हो ही नहीं, है ना? तो परमात्मा हमें चाहते हैं हम अपने उस स्वरूप को जाने जो कि मैं साइलेंट बैकग्राउंड हूं। अति इंद्रिय सुख मीन्स एब्सोल्यूट ट्रूथ बियॉन्ड द डुअलिटी ऑफ द माइंड, अपना वो पूर्ण सत्य जो माइंड की डुअलिटी से, माइंड की द्वैतता से परे है। तो उसमें न सुख है न दुख है, आनंद में टेम्पररी, ओके, ना ना लाइक है ना डिसलाइक है ना? तो वो फील आपको बॉडी माइंड में नहीं होने वाला, कभी कभी हो सकता। आत्मा आत्मा इज जस्ट अ नोइंग, यू कैन नो योर सेल्फ। आप अपने आप को बॉडी माइंड से अनुभव नहीं कर सकते। कभी कोई एक्सेप्शनल एक्सपीरियंस आ भी गया, टेम्प्ररी होगा, परमानेंट नहीं होगा कोई भी एक्सपीरियंस, चाहे वो दुख का हो चाहे कितना भी सुखद हो, दोनों ही टेम्प्ररी है। आत्मा टेम्प्ररी नहीं है, आत्मा कॉन्स्टेंट निरंतर है। ठीक है जी, तो ये अंडरस्टैंडिंग है, दिस इज नॉट एन एक्सपीरियंस। अपने आप को अनुभवों में नहीं ढूंढे आत्मा, अभी तक आप अपने आप को अनुभवों के अंदर ढूंढ रहे हैं। अनुभव आपका अभी ये थोड़ा आई थिंक न्यू कॉन्सेप्ट होगा, या तो हाँ फिर दे कैन अंडरस्टैंड। थोड़ा टाइम देंगे ना तो मेडिटेशन सुनेंगे ज्यादा, तो थोड़ा क्लियर होता जाएगा कि व्हाट एग्जैक्टली मेडिटेशन इज एंड व्हाट इज एक्सपीरियंस। हाँ जी, हाँ और है ना थोड़ा अभी अधैर्यता के भी संकल्प आते हैं ना, तो उनको भी साक्षी होकर देखें। साक्षी ओके ये बहुत जरूरी है कि हाँ इम्पेशेंट नहीं होना है, थोड़ा सा टाइम देके दे शुड सी इफ दे कैन लाइक दे हो ठीक लगे सकता है तो माइंड सही में है। इम्पेशंस के थॉट्स आ सकते हैं, क्योंकि आदत है ना मन की, तो वो तो इम्पेशंट थॉट्स क्रिएट कर सकता है, पर बिल्कुल कौन हाँ है उस इम्पेशंट थॉट्स को क्रिएट, है ना? मैं कौन जो वो थॉट जो बोल रहा है परमात्मा का प्यार फील नहीं हो रहा? हमने वो आज कहानी सुनी ना दो ट्विंस की, हाँ, उसमें एक्चुअली हाँ एक ट्विन यही बोल रहा था बार बार, अरे दिखती तो है नहीं माँ, तो कैसे मान लूं कि मैं माँ के साथ हूं? और एक ट्विन बोल रहा था साइलेंस में बैठोगे ना तो सुनाई देगी उसकी आवाज, महसूस होगा कि हम हैं ही माँ के साथ। बिल्कुल तो ये बहुत ब्यूटीफुल स्टोरी है, वापस सुनिएगा क्लास में। बिल्कुल यस, ये देखिए एक्चुअली दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये अभी लास्ट क्वेश्चन है आज का दीदी। तो ये बोल रहे हैं कि दीदी ने बोला कि बाबा रिनी को नहीं जानते पहचानते, जबकि यज्ञ के इतिहास में बाबा तो बाबा के मदद के स्टोरी से भरा पड़ा है। बाबा ने भाई बहनों के पार्ट में आकर समय अनुसार मदद की है। तो ये कहना कि बाबा इस मन और समय की दुनिया को नहीं जानते, बल्कि इस मन से परे की दुनिया में रहते भी मन, समय और यज्ञ की दुनिया को कई तरीके से मदद सहयोग करते हैं।
इस पे थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ जी, बाबा कहते हैं मुरली में ही कई बार कि मेरा पाठ होगा तो मैं करूंगा, मेरा पाठ नहीं तो मैं ब्रह्मा की खांसी को भी ठीक नहीं कर सकता। हाँ, मम्मा के कैंसर को भी नहीं ठीक कर सकता। दादी के डिजीजेस बॉडी के उनको नहीं ठीक कर सकता, है ना। तो ये मुरली में बाबा कह रहे हैं ये मेरा काम नहीं है मुर्दे को जिंदा करना, मेरा काम है आत्मा को जगाना, आत्मा को इमर्जन से बाहर निकालना, है ना। आत्मा के अटेंशन को, टू बी मोर प्रिसाइज, आत्मा के अटेंशन को बाहर निकालना इमर्जन से, है ना। तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है समझना कि हम अगर यूज कर भी रहे हैं परमात्मा के प्यार को, उसकी उसकी उदार चित्तता को लिमिटेड हद की चीजों के लिए, तो हम कच्चा फल खिला रहे हैं। पक्का फल मतलब मुझे इस मेरे मन की कोई भी इच्छा, मेरी इच्छा नहीं, सब कुछ बाबा को दे दिया। जैसे बिठाएगा वैसे मैं आत्मा बिठाऊंगी शरीर को, जो खिलाएगा वो खिलाऊंगी, जो सुनाएगा वो सुनूंगी। शरीर में प्रॉब्लम आना है वो भी बाबा का रथ, कोई बात नहीं, हम सब की बॉडीज बाबा को समर्पण। तो जो भी हो रहा है होने दो, शरीर को डॉक्टर के पास ले जाना है ले जाएंगे, पर सेवा अर्थ, दादी गुलजार का एग्जाम्पल तो देखा ही होगा ना, कितने डॉक्टर्स की सेवा हुई है उस आत्मा की, उसने ये कहा कभी भी बाबा मेरे शरीर को ठीक कर दो? नो, नेवर। नेवर। इनफैक्ट और कुछ नहीं तो ये ही बोला, वो भी अभी भी बाबा चेकर के रूप में आता है। तो या रियली अंडरस्टैंड गॉड, भक्ति के रूप में भगवान को यूज नहीं करना, मेरी ये इच्छा पूरी कर दो, मेरी ये हेल्प कर दो, ये नहीं है। ये तो भक्त भी कर रहे हैं आज। या अब हम बाबा के अभी बच्चे थोड़ा हैं जो कि बाप समान है। बाबा ने अभी कहा था ना थोड़े दिन पहले कि मुरली में कि मैं भी ड्रामा से बंधा हुआ हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। और याद है तो बोले हम। हाँ, वही बोला था ना कि मैं भी ड्रामा से बंधा हुआ हूँ, तो जो होना है तो वो होगा। वो भी कुछ नहीं कर सकता ना, वो बिल्कुल 1 सेकंड पहले आ सकता है ना 1 सेकंड बाद में, बिल्कुल। और हर एक का फिक्स्ड पार्ट भी फिक्स्ड है। है। या तो अगर हेल्प मिलनी है पार्ट में तो वो उनको मिलेगी, और बिल्कुल जिनको नहीं मिलनी है उनको नहीं पार्ट मिलती है, तो इट इज ऑल में फिक्स। ऑल्सो यस बिल्कुल या ना, इसलिए परमात्मा ड्रामा के अगेंस्ट कभी नहीं जाएगा। बिल्कुल। एंड आपने तो वो एग्जांपल बता दिया कि दादी गुलजार का, ब्रह्मा बाबा का एंड ऑल दैट, तो आई थिंक दिस शुड बी क्लियर कि मदद करनी थी तो पहले पहले वो ब्रह्मा बाबा को और गुलजार दादी को करते थे ना, बाकी तो अम्मा सब फिर को बाद शायद। में मम हम्म, या सो या वी लैंड इट ऑन अ वेरी गुड नोट कि बाबा भी ड्रामा से बंधा हुआ है और हम भी ड्रामा में बंधे हुए हैं। और ये सो मीठा थैंक, बन, मीठा बंद, हाँ ब्यूटिफुल। या ये मीठा बंद ही ओके संबंध है ड्रामा के साथ हर आत्मा का। या सो इसलिए थैंक यू सो मच। ओम शांति। थैंक यू बाबा। थैंक यू बाबा, ओम शांति।